अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। लास्ट लेक्चर में हमने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री जो है वो स्टार्ट की थी, और हमने तीन ब्रांचेस पढ़ी थी, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट थ्री ब्रांचेस, बायो केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो सबसे पहले आते हैं बायो केमिस्ट्री की तरफ। बायो का मीनिंग क्या है? लाइफ, कोई भी लिविंग थिंग। और केमिस्ट्री यानी हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं। बायोकेमिस्ट्री जो है इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड रिएक्शन ऑफ अ सब्सटेंस। किसके अंदर? इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। यानी हमने क्या स्टडी करना है? स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड रिएक्शन ऑफ अ सब्सटेंस। कहाँ? इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सपोज हम जो है वो ग्लूकोज लेते हैं अपनी फूड में, जो कि C6H12O6 है। ये ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल है। तो उसकी कंपोजिशन क्या है कि वो किस, उसका स्ट्रक्चर, ये उसका स्ट्रक्चर है, उसकी कंपोजिशन है, वो मिला किससे, बना किससे, मिलके हुआ है वो कार्बन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उसमें कार्बन जो है वो 6 है, हाइड्रोजन जो है वो 12 है, और ऑक्सीजन भी जो है वो 6 है। ये जब हम लेते हैं तो ये क्या करते हैं कि ATP प्रोड्यूस करते हैं। ATP से हमें एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी जो है वो हम यूज कर लेते हैं। इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं? आप लोगों ने इसमें डेफिनेशन करनी है और उसकी एप्लीकेशंस करनी है। एप्लीकेशंस जो है वो बायोलॉजी की आर इन द फील्ड्स ऑफ मेडिसिन, फूड साइंस एंड एग्रीकल्चर में ये बायोकेमिस्ट्री जो है वो यूज हो रही है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो है इसमें हम इंडस्ट्रियल लेवल पे, कमर्शियल स्केल पे केमिकल्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है उनको, उनकी स्टडी करते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, सॉरी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग यानी बनाना ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल इज कॉल्ड केमिकल इंडस्ट्री। इसमें हम ये जो है बेसिक केमिकल्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे ऑक्सीजन है, अमोनिया है, क्लोरीन है, कास्टिक सोडा है, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, इनका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो स्टडी करते हैं। दीज केमिकल्स, और ये क्यों हम करते हैं कि ये वाले जो केमिकल्स हैं ये अदर जो इंडस्ट्रीज में एज अ रॉ मटेरियल यूज होते हैं। जैसे अमोनिया जो है ये फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, ये अमोनिया फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। फर्टिलाइजर से क्या होता है कि हमारी जो क्रॉप है उसकी जो यील्ड है, उसकी पैदावार है, वो अच्छी हो जाती है। क्लोरीन जो है ये क्लीनिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, यानी ये माइक्रोबियल जो ग्रोथ हो जाती है जहां पे, तो उससे वो उसकी ग्रोथ को वो रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास फर्टिलाइजर, सोप, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, पेंट और पेपर वगैरह, जो ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के एप्लीकेशंस में आती हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड प्रॉपर्टीज। न्यूक्लियर यानी ये न्यूक्लियर से रिलेटेड है। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? हमारे नेचर में बहुत से एलिमेंट्स होते हैं, पाए जाते हैं, जो कि हाईली अनस्टेबल हैं। जैसे हम यूरेनियम की एग्जांपल लेते हैं कि वो बहुत ही अनस्टेबल है, और वो क्या करता है कि स्टेबल होने के लिए अपने अंदर से रेडिएशंस खारिज करता है, और ये जो रेडिएशंस हैं हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल्स हैं। ये रेडिएशंस मेडिकल ट्रीटमेंट में, जैसे रेडियोथेरेपी है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, हम जो है उसको यूज करते हैं। ये जो रेडिएशंस होती हैं हमारे लिए बेनिफिशियल्स होती हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के लिए यूज होती है, जैसे ये हमारे पास नेस्ले मिल्क पैक जो होता है, मिल्क होता है इसके अंदर, वैसे मिल्क पड़ा हो तो वो खराब हो जाता है, लेकिन उनके अंदर जब तक हम उसको खोलेंगे नहीं, यानी एयर में जो माइक्रोब्स हैं वो उस पर अटैक नहीं करेंगे, तो वो खराब नहीं होगा। तो इस तरह हम फूड को जो प्रिजर्व कर सकते हैं इससे। और इसके अलावा इन रेडिएशन से हम इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी जनरेट कर सकते हैं। ये इसकी एप्लीकेशंस हैं। ये यहाँ टेक्स्ट बुक पे आप देख सकते हैं कि ये हमने तीन ब्रांचेस पढ़ी हैं, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ये तीनों आपने कर ली हैं, इनमें आपने एग्जांपल, ये इसकी डेफिनेशन है और साथ उनकी एप्लीकेशन या जो एग्जाम्पल दी हुई हैं वो याद रखनी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कल नेक्स्ट थ्री जो है एप्लीकेशन पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।